अक्सर औरतें ये सवाल पूछती हैं कि मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। टू क्लेरिफाई लेट मी से सम पॉइंट्स, ठीक है। देखिए, जिस फितरत पर अल्लाह ने मर्द और औरत को दुनिया में पैदा किया है वो फितरत नहीं बदलेगी और जन्नत में भी वही फितरत रहेगी। यानी जिस तरह दुनिया में औरत एक से ज़्यादा मर्द से निकाह नहीं कर सकती, जन्नत में भी उसे उसी का शौहर अता किया जाएगा और एक जन्नती औरत के एक से ज़्यादा शौहर नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह क्रिएटेड मैन एंड वीमेन डिफरेंटली। शी इज़ नॉट लाइक मैन इन हर मेकअप एंड नेचर। अब एक खातून जो खुद जन्नत में जाएगी बट उसका शौहर जहन्नुम में जाएगा, यानी उसका शौहर काफिर था, मुशरिक था या मुनाफिक था या जो भी गुनाहों के बिस्तर वो जहन्नुमी था, तो ऐसी औरत को जन्नत में क्या मिलेगा। तो देखिए, फिर अल्लाह ताला ऐसी खातून का निकाह किसी मोमिन जन्नती से करवा देंगे। सेम किसी नेक कंवारी लड़की के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। अगर उसके कंवारेपन में उसका इंतकाल हो गया और वो जन्नत में दाखिल की गई तो अल्लाह उसका निकाह जन्नत